डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग। हाल ही में राष्ट्रीय महासागरी और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA ने घोषणा की है कि फरवरी 2023 से शुरू हुआ प्रवाल भित्तियों का ब्लीचिंग इवेंट अब तक का सबसे व्यापक और गंभीर रिकॉर्ड है। इस घटना में प्रवाल भित्तियां समुद्र के गर्म पानी के कारण अपने रंग और सहजीवी शैवाल को खो देती हैं। इससे वे सफ़ेद हो जाती हैं और तापमान में सुधार नहीं होने की वजह से प्रवाल मर जाते हैं। गौरतलब है कि इस घटना ने अभी तक 77% से अधिक प्रवाल भित्तियों को प्रभावित किया है, जो पहले की घटनाओं से कहीं अधिक है। वहीं इस घटना का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन और समुद्र के तापमान में हो रही तीव्र वृद्धि को माना जा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रवाल भित्तियों का यह विरंजन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे उन लोगों की आजीविका को खतरा है जो समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं। वहीं इस घटना ने लगभग 54 से अधिक देशों और प्रमुख महासागरों जैसे अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर को प्रभावित किया है, जिसमें ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया सहित कई प्रमुख कोरल रीफ क्षेत्रों में प्रवाल ब्लीचिंग की घटना बड़े पैमाने पर देखी गई है। आइए जानते हैं NOAA के बारे में। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय महासागरी और वायुमंडलीय प्रशासन है। इसका गठन 1970 में किया गया था। यह अमेरिका की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और नियामक एजेंसी है जो अमेरिका के वाणिज्य विभाग के तहत काम करता है। यह मौसम पूर्वानुमान, समुद्र विज्ञान, वायुमंडलीय स्थिति और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी करता है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करके लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना है। यह प्रवाल भित्तियों की निगरानी भी करता है और उनके विरंजन की घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। इसके प्रमुख प्रोग्रामों में कोरल रीफ वॉच और नेशनल वेदर सर्विस शामिल हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। NOAA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन 1970 में किया गया था। दूसरा, यह अमेरिका के वाणिज्य विभाग के तहत काम करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।